देश में स्वाइन फ्लू का कहर लगातार जारी है। जोधपुर में भी स्वाइन फ्लू को लेकर इस सीजन में लगातार मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। स्वाइन फ्लू के लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आज मेडिकल एंड हेल्थ एसोसिएशन डायरेक्टर राजीव जैन, डॉक्टर रमन शर्मा और डॉक्टर अजीत सिंह जोधपुर पहुंचे। इस दौरान एडिशनल डायरेक्टर राजीव जैन ने जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज सभागार में डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज से जुड़े तीनों अस्पतालों के अधीक्षकों सहित चिकित्सकों के साथ बैठक लेकर स्वाइन फ्लू को की चर्चा की। अस्पताल प्रशासन और चिकित्सकों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने इस दौरान प्राचार्य डॉक्टर एसएन राठौर से मेडिकल कॉलेज में जांच की सुविधा, अस्पताल में स्वाइन फ्लू मरीजों के भर्ती करने के साथ ही दवाइयों के स्टॉक के बारे में भी विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान एडिशनल डायरेक्टर संजीव जैन ने बताया कि सभी चिकित्सकों और अधिकारियों के साथ बैठक हुई, उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। सर्दी, जुकाम और खांसी के लक्षण दिखने पर उस मरीज का तत्काल जांच करने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही अस्पताल में स्वाइन फ्लू और संदिग्ध रोगियों को अलग अलग वार्डों में भर्ती करने के लिए निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सर्दी, जुकाम, खांसी जैसे लक्षण दिखने पर उस व्यक्ति को अलग से वार्ड में भर्ती कर जांच कर उसका इलाज शुरू किया जाए। साथ ही स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीजों के लिए अलग अलग वार्डों में भर्ती करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार आज जोधपुर में जो है बैठक आयोजित की है मेडिकल कॉलेज के अंदर, जिसमें जयपुर से विशेषज्ञ भी आए हैं, प्रोफेसर हैं मेडिसिन के अंदर डॉक्टर रमन शर्मा एंड डॉक्टर अजीत सिंह। आज यहाँ बैठक हुई जिसमें यहाँ के कॉलेज के जो है फैकल्टीज़, जिसमें पीडियाट्रिक्स, मेडिसिन व स्टूडेंट गायनेकोलॉजिस्ट, उनको विशेष तौर से यहाँ बुलाया गया था। हमारे जोधपुर शहर से भी जो है डिस्पेंसरीज के डॉक्टर्स व डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स यहाँ उपस्थित हुए, जिनको लेटेस्ट स्वाइन फ्लू के बारे में किस तरह से आगे बीमारी जो है फैले नहीं और तुरंत उस पर जो है कार्रवाई हो सके, हमारा इंटेंशन यही है कि इस बीमारी से जो डेथ है वो नहीं हो, लोगों में पैनिक भी क्रिएट नहीं हो। यदि टाइमली यदि कोई दवाई ले लेता है, इस तरह की जो है आपके माध्यम से भी ये मैसेज जाना चाहिए कि हमारे जो है सभी चिकित्सा संस्थानों पर, गवर्नमेंट की हर संस्थान के ऊपर जो है दवाइयाँ और सल्टामीवीर व डायग्नोसिस करने की सुविधाएँ जो है हर जगह उपलब्ध है। 24 आवर्स टेस्टिंग की सैंपल्स की सुविधा भी उपलब्ध है, जो यहाँ मेडिकल कॉलेज स्तर पर जो है टेस्टिंग होगी इसके अंदर उसका टाइमिंग्स भी फिक्स कर दिया गया। पर यह विशेष आग्रह यही है कि हॉस्पिटल में आकर मरीज जो है अपना इलाज करावे, प्राइवेट में या कुछ, मैं तो कहूँगा कि कहीं इधर उधर जो है जो जानकार नहीं होते हैं, चिकित्सा करते रहते हैं, उन लोगों से इलाज नहीं कराएं। डॉक्टर मतलब क्वालिफाइड डॉक्टर से इलाज कराएं, उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, और जिसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस है उससे इलाज कराएं, क्योंकि ये फील्ड के अंदर जो है जो स्टेरॉइड और इस तरह की जो दवाइयाँ जो सेवन होता है उससे जो है बीमारी की कैटेगराइजेशन जो कहते हैं ना अपन, ए कैटेगरी से बी में पहुँच गया, बी से सी में पहुँच गया, ऐसे मरीज जो है सी कैटेगरी में बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं, उस पर हमें रोकथाम की ज़रूरत है। क्योंकि सी कैटेगरी में पहुँचने के बाद जब वेंटिलेटर में मरीज लिया जाता है तो उसमें उसको बचाने के लिए बहुत ही जो है ना पूरा जोर लगाना पड़ता है, पूरे टीम एफर्ट के साथ काम होता है, तो डेथ होने के चांसेस जो है बहुत बढ़ जाते हैं। इसमें हमें जो रोकथाम के लिए पब्लिक में अवेयरनेस की ज़रूरत है कि जहाँ पर भी हैं सभी हमारे गवर्नमेंट के जो यहाँ हॉस्पिटल्स, PHCs, इवन हमने तो जो है PHCs हैं, CHCs हैं, सभी अस्पतालों के अंदर पूरी व्यवस्था है, दवाइयों की भी पूरी उपलब्धता है। आपको जो है वहाँ पर बिल्कुल अपने आइसोलेट भी कर दिया है कि अलग से कमरे भी करने कर दिए कि अलग से कमरा हो जिसके अंदर जो सांस खांसी की बीमारी के मरीज हैं, बुखार खांसी के, उनको अलग से उसी कमरे में देखा जाए, जिससे कि जो है ना आपस में क्रॉस इन्फेक्शन नहीं हो। क्योंकि ऐसा है जहाँ जहाँ भीड़ होगी, साथ में रिश्तेदार भी आते हैं,
तो जो नॉर्मल आदमी है जो अस्पताल में आ रहा है वो बीमारी लेके जाएगा, उस पर भी रोकथाम की जरूरत है हमारी। तो यही है कि ना आप ज़्यादा भीड़ भी नहीं करें अस्पताल के अंदर, पर जो जावें तो जो उस पर्टिकुलर कमरे के अंदर जाके जो है इलाज करा। सब जगह व्यवस्था है, सब जगह जांच के लिए जो VTM की उपलब्धता भी है, सेटेलाइट में इनमें भी है, जिला अस्पतालों में भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ से टेस्टिंग की जो है सुविधा, पर यह है हर एक मरीज़ को ज़रूरत नहीं है जांच की, जिसमें वो उपयुक्त समझे कि भाई ये तो जो है ना मतलब स्वाइन फ्लू का B2 कैटेगरी का मरीज़ है, उसकी ज़रूर जो है जाँच हो। आज भी जो है 54 वेंटिलेटर्स की पूरी जो है आज जानकारी है कि 54 वेंटिलेटर्स की सुविधा है, पर मैं नहीं चाहता कि ना 54 वेंटिलेटर्स भरें। हम तो चाहते हैं सी कैटेगरी में जाना ही नहीं चाहिए, उसका इलाज जो है ना B2 कैटेगरी में, इवन बी कैटेगरी में जो है उसका इलाज हो जाए, उसको भर्ती करने की नौबत ही नहीं आए। हर जगह कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं, हर जिला स्तर पर जो है CMHO स्तर के भी बनाए हुए हैं, और मेडिकल कॉलेज स्तर में भी जो है इसके लिए पूरी जो है डायरेक्शन दे दी है, कंट्रोल रूम बन चुके हैं।